हेलो, चेक माइक टेस्टिंग। हेलो, चेक माइक टेस्टिंग। हेलो, चेक माइक टेस्टिंग। हेलो 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 एवरीवन, हम थोड़ा ऑडियंस आने के लिए रुक रहा है और साउंड को भी थोड़ा चेक कर रहा है, तो अगर साउंड ओके है तो कोई थम्स अप दे दो। इफ द साउंड इज ओके, इफ द साउंड इज ओके थोड़ा थम्स अप दे दो। अगर वॉल्यूम थोड़ा लो है तो वो भी बोल दो, हम थोड़ा जोर से बात करेगा। सो हेलो एवरीवन, बहुत दिन बाद में फिर एक लाइव सेशन आया है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके। डिमाहासाव का कोई कोई लोग तो ऑलरेडी मालूम है होगा, लेकिन कोई कोई अभी भी मालूम हो के भी उसको थोड़ा सीरियसली नहीं लिया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये बहुत बड़ा इश्यू है तो इसको थोड़ा सीरियसली लेना है हम लोग सब भी, रिगार्डलेस हम लोग का ऑक्यूपेशन क्या है। आइदर आप स्टूडेंट हो या आप सरकारी नौकरी करने वाला आदमी हो ना जनरल पब्लिक हो, सबको भी इसके बारे में जानकारी लेना है और एक ओपिनियन रखना है। और मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत जो चीज है उसको ओपोज भी करना है, तो उसके बारे में हम आज लाइफ में बात करने के लिए आया। तो टॉपिक तो हम लाइफ का लिखा है, आप लोग ने पढ़ लिया होगा। सो ये जो आज का टॉपिक है वो हो गया डिमा हासाओ में उमरांगसो जो एरिया है, उमरांगसो जो एरिया है वहां में 9,000 बीघा जो जमीन है उसको अभी माइनिंग करने के लिए, वहां में माइनिंग करने के लिए बहुत प्रेशर आ रहा है हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जितना अभी तक सुनने को मिला है, देखने को मिला है, जो माइनिंग कंपनीज है, जो सीमेंट कंपनीज है, स्पेशली जो सोर्सेस से हम लोग को मालूम हुआ है, लोकल सोर्सेस से, और काउंसिल का लोग ने भी अनऑफिशियली वो लोग की तरफ से भी मालूम हो गया है कि जो अदानी ग्रुप है, वो अदानी ग्रुप का लोग, वो लोग का सीमेंट भी है अंबुजा सीमेंट, आप लोग नाम सुना होगा, जो अंबुजा सीमेंट वो अदानी ग्रुप का है। सो माइनिंग करने के लिए और सीमेंट फैक्ट्री बनाने के लिए उमरांगसो में बहुत सारा जो हमारा इंडिजिनियस, जो हम लोग का ट्राइबल लोग है, उसका जमीन के ऊपर में जबरदस्ती ये जमीन लेना चाहता है। तो जो वहां का लोकल लोग है, गांव का लोग, वो लोग बार बार बोल रहा है कि हम लोग ये जमीन देने नहीं सकेगा, क्योंकि ये जमीन में हम लोग को रह रहा है, ये जमीन से हम लोग को खाने को मिलता है और हम लोग के पास में दूसरा जमीन नहीं है, इसलिए हम लोग को ये जमीन देने नहीं सकेगा। और ये एक बस्ती का बात नहीं है, बहुत सारा बस्ती है। तो आप लोग को मालूम हो नहीं सकता कि 9,000 बीघा वो मामूली बात नहीं है, छोटा एरिया नहीं है, ये बहुत बड़ा एरिया है। तो उमरांगसो का जो आत्मी लोग है वो लोग बार बार बोल रहा है कि हम लोग ने 1970 से अपना जमीन डेवलपमेंट के नाम में डोनेशन देते आया है। पहले हम लोग का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके लिए जमीन डोनेट किया, पहले जितना बस्ती था वो आज के दिन में, जो आप उमरांगसो जाने से सब भी रील्स तो शेयर करता है, हाँ वो वाटर रिजर्वर को इतना सुंदर बोल के, लेकिन वो जो पानी है जो आप लोग देखने को मिलता है उमरांगसो में, गोल्फ फील्ड में आप लोग जाके वहां में रील्स बनाता है, वो पहले आदमी को जमीन था, वहां में बस्ती था। लेकिन जब ये डैम बनाया, जब लोगों ने अपना लैंड को डोनेट किया और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना, तो वो जमीन पानी के अंदर चला गया। तो वो लोग बस्ती वाला लोग दूसरा जगह में शिफ्ट होने लगा। बस्ती वाला लोग ने एग्री किया, वो लोग ने खुद ने जमीन दिया, लेकिन वो लोग को अच्छी तरह से इन रिटर्न अच्छा से वो लोग को फेयर कॉम्पेंसेशन नहीं मिला, और जब नया जगह में शिफ्ट करा वो लोग को डेवलपमेंट नहीं मिला। इसलिए आज भी
उमरोंगसो एरिया में भी बस्ती बस्ती में डेवलपमेंट अच्छा से नहीं पहुंचा। उसके बाद में फिर एएमडीसी प्रोजेक्ट आया जिसके जरिए कोल माइनिंग हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ और आसाम में फर्स्ट ये एएमडीसी का प्रोजेक्ट जो माइनिंग का प्रोजेक्ट है ये हमारा डिमाहासाओ डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ। तो ये 80s में हुआ। तो उस टाइम में भी एएमडीसी के लिए भी लोगों ने अपना जमीन दिया डेवलपमेंट मिलेगा बोल के, और सिर्फ 1980s में जमीन दिया नहीं, अभी भी धीरे धीरे बहुत सारा कोल माइनिंग के लिए जमीन देते ही है, क्योंकि नया नया जगह में जहां खत्म हो जाता है कोयला वो लोग दूसरा पहाड़ में जाके फिर वहां में कोयला का माइनिंग शुरू कर देता है। और बहुत बहुत केसेस में तो इलीगली, जो लीगली भी ये नहीं मिला ये एरिया, लेकिन वहां में माइनिंग शुरू कर देता है कोयला का। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक को लेके, कोयला माइनिंग को लेके ऑलरेडी बहुत सारा जमीन तो चला गया। फिर उसके बाद में आया लाइमस्टोन माइनिंग। लाइमस्टोन माइनिंग करके आप लोग मालूम है आज के दिन में उमरोंगसो में अलग अलग सीमेंट कंपनीज है, वो लोग वहां में सीमेंट कंपनी सेट बना दिया। तो अभी जो ये नया और 9000 बीघा का और माइनिंग करेगा अभी बोला लाइमस्टोन का, तो उसके लिए और नया नया सीमेंट फैक्ट्रीज डिमाहासाओ में आने वाला है। और ये खाली उमरोंगसो में नहीं, अभी दियुंगब्रा में भी, वहां में भी। सो अभी क्या हो रहा है, बहुत सारा लोकल लोग अपना जमीन को बचाने के लिए फाइट करने लग रहा है। लेकिन दुख का बात है कि आज के दिन में वो लोग का फाइट अकेला वो लोग लड़ने लग रहा है, गांव वाला लोग। तो उमरोंगसो में भी ऐसा हुआ रिसेंटली, आप लोग न्यूज में भी देखा होगा कितना बार वो लोग न्यूज में पब्लिक को सुना दिया, कितना बार वो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मेमोरेंडम दे दिया। इतना तक गांव वाला लोग बोला है कि अगर आप लोग को अभी माइनिंग करेगा हम लोग को जमीन को लेके, तो पहले हम लोग को मार दो, किल अस ऑल, हम लोग को मार दो, उसके बाद ही हम लोग को जमीन लो, ऐसा भी बोला है। फिर भी लेकिन आज हम क्यों ये लाइव वीडियो बना रहा है, क्योंकि पब्लिक लोग इतना बोलने के बाद में भी अभी भी गवर्नमेंट, हम लोग का खुद का सरकार, काउंसिल बोलो, स्टेट गवर्नमेंट बोलो, अभी भी लोगों को प्रेशराइज कर रहा है कि अपना जमीन को दे देने के लिए। इसलिए थोड़ा दिन पहले एक नोटिस निकला काउंसिल के तरफ से, जितना भी वो गांव बूढ़ा है वो लोग को बोला कि सर्वे करेगा अभी डिपार्टमेंट आके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आके सर्वे करेगा, लैंड रेवेन्यू वाला लोग भी आके, काउंसिल का टीम, वो लोग के साथ में आप लोग कोऑपरेट करो, आप लोग सर्वे कराओ बोल के। बिकॉज अगर सर्वे कर देगा फिर उसके बाद में इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट निकालेगा, तो उसके बाद में आराम से माइनिंग के लिए टेंडर कर देगा और माइनिंग का काम शुरू कर देगा, प्लान ये है। तो इसलिए गांव वाला लोग बोल रहा है कि नहीं, हम लोग सर्वे करने नहीं देगा, क्योंकि हम लोग को जमीन ही नहीं देगा, जमीन अपना जमीन है, अपना जमीन हम देना नहीं चाहता है माइनिंग के लिए, तो हम क्यों जबरदस्ती हम लोग को साथ में ऐसा कर रहा है। तो आज हम ये वीडियो के जरिए हम बोलना चाहता है कि हम लोग भी सब वो गांव वाला लोग को सपोर्ट देना है। एक हफ्ता पहले हमारा सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी के तरफ से भी हम लोग फिर गया गांव वाला लोग को जाके, हम लोग सपोर्ट देके आया, अलग अलग ग्रुप्स भी थोड़ा सपोर्ट दिखा रहा है, लेकिन ये काफी नहीं है। क्यों काफी नहीं है, क्योंकि अभी भी गांव वाला लोग बहुत प्रेशर मिलते हैं। थोड़ा देर पहले भी हम फोन में, व्हाट्सएप में भी हम बात कर रहा था उमरोंगसो को अफेक्टेड लोगों के साथ, तो वो लोग भी बहुत दुख है कि मतलब इतना बोलने के बाद में भी, क्लियर कट बोलने के बाद में भी, उस दिन में मीटिंग हुआ, काउंसिल का लीडर्स लोग भी था, लोकल ईएम भी था उमरोंगसो को, सीएम भी था, फिर स्टेट गवर्नमेंट से एक सेक्रेटरी को भी भेजा, वो पब्लिक मीटिंग में भी गांव वाला लोग क्लियरली बोल दिया कि ये हम और जमीन हम लोग नहीं दे सकता है। फिर भी उसके बाद में भी क्यों ये ऑर्डर निकालता है कि सर्वे करने के लिए। तो इसलिए गांव वाला लोग बहुत परेशान है, बहुत दुख है कि जो सिक्स शेड्यूल के अंदर में जो काउंसिल, जो हम लोग को इंडिजिनियस ट्राइबल लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो लोग को राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिक्स शेड्यूल मिला था, और उसका अंदर में ये काउंसिल को लैंड फॉरेस्ट वो सब का जो पावर मिला था, आज पब्लिक का फॉरेस्ट को बचाने का बदली पब्लिक का लैंड और पब्लिक का फॉरेस्ट को क्यों माइनिंग कंपनीज और सीमेंट कंपनीज लोग को उल्टा देने के लिए उसमें उल्टा क्यों जोर लगा रहा है।
ये सिख शेड्यूल किसके लिए बनाया? हम लोग को ट्राइबल आदमी लोग के लिए बनाया ना, बड़ा बड़ा अरबपति बिलियनर जैसे कि अदानी अंबानी वो लोग के लिए बनाया नहीं क्या? ये डेवलपमेंट का नाम में सिर्फ डेवलपमेंट करेगा बोल के हम लोग का जमीन जाते रहेगा तो कैसा होगा? एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? ऐसा तो नहीं है कि डेवलपमेंट सिर्फ माइनिंग करने से डेवलपमेंट आ जाएगा, वैसा बात तो नहीं है ना। 1970s से हम लोग लैंड दे दिया हम लोग का कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। हम फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट ये नेपको के अंदर में ये प्रोजेक्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट में नेपको का इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 70s से। लेकिन आज का दिन में भी हम लोग का खुद का डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिस्ट्रिक्ट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है बाहर में, लेकिन अपना डिस्ट्रिक्ट में फुल टाइम हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं मिलता है। अभी भी हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा गांव है जहां में ये ग्रिड से पावर लाइन से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं पहुंचा है। बहुत सारा जगह में तो अभी भी सोलर है। सोलर को खराब है हम नहीं बोल रहे, अच्छा है सोलर, लेकिन अपना डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को फुल टाइम पावर सप्लाई नहीं मिलता है। और अगर पावर सप्लाई मिलता भी है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक ठीक नहीं है। कभी दिन कोई जगह में बारिश दे दिया लाइन कट गया तो एक हफ्ता कभी कभी एक महीना भी कट के रह जाता है। अभी भी हम लोग का स्टाफ का शॉर्टेज है पावर डिपार्टमेंट में। तो जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट जहां हम लोग लैंड दिया और हम लोग का जमीन पानी के अंदर आ गया, लेकिन फिर भी 40 साल बाद में भी हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी फुल नहीं मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग कोयला में हम लोग लैंड दे दिया। फर्स्ट जो कोयला का माइनिंग हुआ आसाम में AMDC के ये डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग डिस्ट्रिक्ट में हुआ। लेकिन आज के दिन में यहां से कोयला जाता है लेकिन कोयला से जो पैसा मिलना चाहिए अपना लोकल लोग उमरांगसो में देखो कितना लोग को ये फायदा हुआ, सिर्फ 4-5 आदमी का फायदा हुआ। और कुछ काम नहीं करके भी गुवाहाटी से दिसपुर से बड़ा बड़ा लीडर लोग अपना सिंडिकेट करके वो लोग उल्टा एवरी डे एवरी ट्रक से वो लोग हजार हजार रुपया लेके चला जाता है। दिन का वो लोग का लाख लाख अर्निंग हो जाता है, बल्कि वो हमारा डिस्ट्रिक्ट का आदमी भी नहीं है। लेकिन ऐसा करके हम लोग का कोयला से सिंडिकेट करके इलीगल टैक्स उठा के दिसपुर से आराम से पैसा कमा के चला जाता है। तो वो डेवलपमेंट हम लोग का सेक्रीफाइस करके यहाँ कितना डेवलपमेंट आया आप देखिए। उमरांगसो में अभी भी कितना रोड, अभी तक जो कोयला अफेक्टेड एरिया से वहां का रोड क्या हालत हो के आज तक देखो, लोग सेक्रीफाइस कर रहा है अपना जमीन से कोयला निकाल के दे रहा है लेकिन इन रिटर्न मतलब क्या मिल रहा है। सो डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट अपना जमीन देने से ही डेवलपमेंट आएगा। अगर सरकार रियल में सच में सेंट्रल गवर्नमेंट आसाम गवर्नमेंट और हमारा काउंसिल तीनों मिलके अगर सच में उमरांगसो में ये 9000 बीघा का एरिया में डेवलपमेंट करना चाहता है तो बहुत सारा तरीका है हम लोग डेवलपमेंट कर सकता है। हम लोग सब भी खेती करने वाला झूम करने वाला फार्मिंग करने वाला कम्युनिटी है सब भी उधर में, तो और भी थोड़ा इंसेंटिव देना चाहिए, और भी सब्सिडीज देना चाहिए, और भी सपोर्ट देना चाहिए एग्रो फॉरेस्ट्री में ऑर्गेनिक फार्मिंग में सेल्फ प्रोडक्शन में हम लोग फोकस करने से। अभी जो एटलीस्ट अभी तो सेल्फ सफिशियंट है, अपना खाना तो हम लोग को अच्छा से उगा रहा है, बाद में और भी हम लोग उगाने सकेगा जिससे हम लोग को बिजनेस भी कर सकेगा, तो उसमें हम लोग को फोकस कर सकता है। अगर सच में डेवलपमेंट करना है उधर में तो इको टूरिज्म का और थोड़ा पुश कर दो। जैसे कि आप लोगों को मालूम है आजकल सब देखता है उमरांगसो को तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए क्या क्या फेस्टिवल बड़ा बड़ा फेस्टिवल होता है, करोड़ करोड़ रुपया फेंकता है। तो हम बोलना चाहता है कि ये साल में एक दो प्रोग्राम करने का बदली और एक दो होटल का मालिक पैसा कमाने का बदली इको टूरिज्म को सच में हम लोग प्रमोट कर सकता है। गांव गांव में हम लोग इको होम स्टेस जो गांव वाला लोग खुद चलाएगा इंस्टेड ऑफ प्रोमोटिंग रिजोर्ट प्रमोट करने का बदली एक दो ऐसे एक्टिविटी जिसमें सिर्फ 3-4 आदमी पैसा कमाएगा उसके बदले गांव वाला लोग को इको टूरिज्म चलाने दो। ऐसा सिस्टम करो कि अगर पानीमूर में उमरांगसो में अगर टूरिस्ट आएगा तो वो बस्ती में ही जाके बैठेगा। बस्ती का सिस्टम ऐसा करो, इतना सुंदर से बस्ती को सेटअप करो कि बस्ती का होम स्टे में लोग बैठेगा
और वो जो बस्ती का जो होम स्टे है वहां का लोकल ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट बनाने के लिए उसमें फंड दो, उसमें पैसा दो, तो वो गांव वाला लोग चलाएगा। तो उमरंगसो का अंदर में जो छोटा छोटा गांव है वो लोग इको टूरिज्म चलाएगा। सो टूरिस्ट लोग आके ईयर लॉन्ग जनवरी से लेके दिसंबर एनी टाइम आके उमरंगसो में इको टूरिज्म में बैठ के गांव गांव में पैसा घुसेगा। अभी का टूरिज्म का सिस्टम में तो क्या है, साल में एक फेस्टिवल होता है वहां में टिकट देके जाता है, लेकिन वो गांव वाला लोग को पॉकेट में सब नहीं घुसता है। कोई थोड़ा स्टॉल खोल देगा, थोड़ा कमाई हो जाएगा, लेकिन वो ईयर लॉन्ग वाला सिस्टम नहीं होता है। तो इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट रियल में हम लोग अगर इम्प्लीमेंट करेगा तो उमरंगसो को हम लोग रियली एज ए इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, और खाली उमरंगसो नहीं पूरा डिमाहासाओ को एक्चुअली इको टूरिज्म में फोकस करना है। अभी का टाइम में क्या हो गया, हम लोग सिर्फ एक दो जगह को मतलब फोकस करता है, लेकिन उससे पूरा गांव में मतलब पैसा नहीं घुसता है। सेकेंडली हम लोग जो लोकल आर्टिसंस लोग है जो हम लोग को लोकल प्रोडक्ट्स बनाता है, और बैम्बू का हो नहीं तो जो हम लोग का वीविंग का हो, पहले जो गर्म पानी एरिया है उमरंगसो गर्म पानी एरिया में गिरता है, गर्म पानी एरिया में पहले में अलग अलग सिल्क का अलग अलग वर्म्स का एरी पुका जो बोलता है, मुगा सिल्क, ऑल दिस डिफरेंट वेराइटीज पूरा आसाम में एक ही जगह है जहां में चार नहीं तो पांच, अभी हम थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आइदर फोर और फाइव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वर्म सिल्क वर्म का रियरिंग जो होता है वो गर्म पानी एरिया में ही होता है, बिकॉज वहां का वेदर, वहां का क्लाइमेट, वहां का सब चीज कंड्यूसिव है, और वो लोग जो पत्ता खाता है वो वर्म्स वो गर्म पानी। सो 1970s का टाइम से ही हम लोग का जो डिपार्टमेंट है, जो हैंडलूम एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, जो हम लोग का दूसरा दूसरा डिपार्टमेंट है, उसका अंदर में फंड आता है ये सब जो सिल्क वर्म रियरिंग का ले। तो लेकिन लास्ट कितना दो डेकेड से 20-25 साल ये सब में से वो लोग डाउन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने और उसको परस्यू नहीं किया, हम लोगों ने उसको और कंटिन्यू नहीं किया। अगर हम लोग कंटिन्यू करता है, आज का दिन में हैंडमेड प्रोडक्ट्स का, हैंडमेड क्लोदिंग का बहुत सारा डिमांड है, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड डिमांड है, तो उसको हम लोग प्रोमोट कर सकता है, उसमें हम लोग फोकस कर सकता है, क्योंकि ये सब चीज, ये सब स्किल्स, ये सब क्वालिटीज और जो जो चाहिए वो ऑलरेडी हम लोग के पास में है। तो इससे क्या है, ज्यादा लोग का प्रॉफिट होगा इसमें, एक दो आदमी का नहीं, ज्यादा लोग का हम लोग प्रॉफिट हो सकता है, और ये एक सेल्फ सस्टेनेबल लोकलाइज्ड इकोनॉमी बनके। अभी हम लोग सिर्फ सीमेंट कंपनी को दे देगा, माइनिंग कंपनीज को दे देगा, दिस इज नॉट लोकलाइज्ड इकोनॉमी, ये हो गया ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी में हम लोग कंट्रीब्यूट करेगा, चुना गिना लोग को ही पैसा मिलेगा और मेजोरिटी को पैसा नहीं मिलेगा। मेजोरिटी को तो क्या है, सिर्फ लेबर का हिसाब में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हाजिरा लेबर ऐसे करके। आज का दिन में हम लोग को थोड़ा बड़ा सोचना चाहिए, हम लोग सिर्फ क्यों छोटा छोटा काम करेगा, सिर्फ हाजिरा काम में क्यों रह जाएगा। हाजिरा काम करना खराब नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल रहा है कि काम कोई बड़ा छोटा होता है, हम वो नहीं बोल रहा है, लेकिन जब हम लोग सेल्फ सफिशियंट सेल्फ रिलायंस वाला मॉडल को अपना सकता है और अभी से अपनाएगा तो 20-25 साल में ये एक फुल ब्लोन सक्सेस होगा। उस लाइन में हम लोग क्यों नहीं जाता है, हम लोग आज के दिन में शॉर्टकट मेथड्स में जा रहा है कि कोई कंपनी को दे दो कोयला, कोई कंपनी को दे दो लाइमस्टोन, हो गया करोड़ करोड़ रुपया आ जाएगा, काउंसिल में घुस जाएगा। लेकिन क्या वो सबका हाथ में घुसता है, पब्लिक का हाथ में घुसता है, वो नहीं घुसता है। इसीलिए आज के दिन में गांव वाला लोग भी प्रोटेस्ट कर रहा है कि डेवलपमेंट का अगेंस्ट में हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर लैंड। हमारा जमीन देके हमको डेवलपमेंट दो होने से तो हम कहाँ रहेगा, नंबर वन हम कहाँ रहेगा, फिर से नया घर बनाओ, फिर से सेटल हो, एंड प्लस इन रिटर्न डेवलपमेंट भी कुछ गारंटी नहीं होता है। आज के दिन में कितना करोड़ करोड़ रुपया उमरंगसो से जाता है, पूरा डिमाहासाओ में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जेनरेट होता है उमरंगसो एरिया, गर्म पानी एरिया से सबसे ज्यादा पैसा जेनरेट होता है पूरा डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन जितना पैसा वो लोग कंट्रीब्यूट करता है वो एरिया से, उतना पैसा वापस उमरंगसो एरिया में नहीं घुसता है। इसलिए आज के दिन में देखो वहां में
बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज का भी कितना प्रॉब्लम है। वो लोग कंप्लेन करता है कि हम उनको जो सिविल हॉस्पिटल है वहां का वो एकदम क्वालिटी ठीक नहीं है। फिर उसके बाद में एडुकेशन में भी हम लोगों उतना बढ़ नहीं सका उमरंगसो एरिया में, और अभी भी बहुत सारा एरिया से जहां में सिंपल बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि रोड बोलो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, वो भी अभी भी ठीक से नहीं पहुंचा बोल के। सो इतना कंट्रीब्यूट करने के बाद में भी, इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स करने के बाद में भी रिटर्न नहीं आया, इसलिए लोगों का ऑब्वियसली एक ऑब्वियस एक डाउट है और एक ऑब्वियस एक डर है कि इस बार भी अगर 9000 बीघा हम लोग दे दिया, रिटर्न में हम लोग को क्या मिलेगा। तो उसका बदले हम लोग सबको इसलिए मिलके जो ट्राइबल लोग है वहां का इंडिजिनियस लोग, वो लोग को जो डिमांड है कि हम लोग जमीन नहीं देगा ये 9000 बीघा, चाहे अदानी आ जाओ, अंबानी आ जाओ, जो भी आ जाओ, तो वो लोग को हम लोग सपोर्ट देना है। तो आप अगर स्टूडेंट हो, आप अगर प्रोफेसर हो, आप अगर बिजनेसमैन हो, आप अगर एक गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉई हो, जो भी हो, आप सबको भी एक आवाज उठाना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, थ्रू सोशल मीडिया हो या अपना बीच में हो, और अपोज करना चाहिए। आपको कोई इंडिविजुअल को अपोज करना जरूरी नहीं है, कोई एक इंडिविजुअल को दोष देने का जरूरी नहीं है, बट ओवरऑल कि हम लोग को क्या मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, डू वी वांट टू फॉलो ए ग्रीन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ना एक एक्सट्रैक्टिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अगर एक्सट्रैक्टिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में ही जाएगा तो 30-40 साल में तो हम लोग का पूरा खाली हो जाएगा। अभी आप देखो ये लास्ट 10-15 ईयर्स में ही हम लोग का नदी क्या हालत हो गया। पहले हम लोग का नदी का पानी कितना अच्छा होता रहा, कितना साफ होता रहा। पहले हम लोग का नदी पूरा खेती का जमीन लेके नहीं जाता रहा, लेकिन क्योंकि आज के दिन में इतना पत्थर का माइनिंग हो गया ये लास्ट 10-15 साल में ही इतना ज्यादा हो गया कि आज नदी का हालत अपन सब भी मालूम है, वाटर क्राइसिस सब जगह में हो रहा है, पानी का क्वालिटी डाउन हो गया है। तो अगर हम लोग भी माइनिंग सब जगह में कंपनीज को इतना जल्दी जल्दी कंपनीज लोग घुस रहा है अभी डिमाहासाओं में, और सब जगह में अगर जमीन दे देगा हम लोग, तो हम लोग का क्या रहेगा। सिमिलरली हम लोग को ये मंदिर दिशा एरिया में ये CRPF लोकल है, CRPF लोकल है 1000 बीघा दे दिया, पहले 500 बीघा, अभी और 500 बीघा बोल रहा है सुनने में आया। आज का दिन में ठीक है CRPF BSF वो लोग को हम लोग रेस्पेक्ट करता है, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट तो नॉर्थ ईस्ट में एक बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, तो क्यों हम लोग को यहाँ में BSF बोलो, CRPF बोलो, इतना सारा आर्म फोर्सेस क्यों चाहिए। एक तरफ से बोलता है कि हम लोग को यहाँ में तो मिलिटेंसी भी डाउन हो गया, खत्म हो गया, सब ग्रुप सरेंडर हो गया, और कोई ऐसा कुछ अभी डर का बात नहीं है, आसपा भी उठा देगा बोलता है, तब तो फिर क्यों इतना सारा फोर्सेस हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में ही डाल रहा है। सीधा सीधी बात है, हम लोग को यहाँ में इतना ज्यादा जमीन इजीली मिल जाता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में आपको 500 बीघा फट करके मांगने में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग को यहाँ में मंदिर दिशा में 500 बीघा आराम से ले लिया, काउंसिल ने भी हाँ बोल दिया। लेकिन आज के दिन में गांव वाला लोग को साथ में बात करके मालूम हुआ कि वो लोग को झूठ बोला, गांव वाला लोग को तो बोला था कि आप लोग को इन रिटर्न कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा, लेकिन बिना कॉम्पेंसेशन एक रुपया भी नहीं मिलके गांव वाला लोग को पास से जमीन ले लिया। अभी मंदिर दिशा में भी वो लोग भी अभी सोच रहा है कि हम क्या करेगा। सिमिलरली ऐसा बहुत सारा जगह में स्टोरीज आर सिमिलर, सब जगह में भी ऐसा हो रहा है। और अगर हम लोग अभी अवेयर नहीं होगा, अभी हम लोग अलर्ट नहीं होगा, तो नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में और भी मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन होने वाला है डिमाहासाओ में, क्योंकि अभी भी यहाँ में वर्जिन लैंड जो है, वर्जिन फॉरेस्ट जो है, बहुत सारा है, यहाँ में खाली पहाड़ है। तो ये पहाड़ को माइनिंग करके फॉरेस्ट का सब मतलब हम लोग को माइंस एंड मिनरल्स वो पूरा खत्म कर देगा, तो हम लोग को फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग छोड़ के क्या जाएगा। ठीक है कुछ कुछ तो हम लोग को यूज करने लगता है, बट देर हैज टू बी ए लिमिट, देर हैज टू बी ए कंट्रोल, नहीं तो इतना लालची हो जाएगा। और अगर हम लोग खुद का कंजम्पशन के लिए होने से अलग बात था, लेकिन हम लोग सब बाहर में एक्सपोर्ट करेगा, इसको इतना सारा एक्सपोर्ट करेगा कि हम लोग को खुद के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम और कुछ नहीं रखेगा तो कैसा होगा। अगर 1960s-70s का जो जनरेशन था, हम लोग का पिताजी का, दादा का, दादू का जनरेशन का,
ग्रैंडफादर फादर वो लोग का जनरेशन भी अगर उस टाइम से इतना एक्सप्लोटेशन करता रहा तो आज के दिन में हम लोग को तो कुछ रह नहीं जाता रहा हम लोग को हाथ में। लेकिन आज भी थोड़ा तो बचा है, लेकिन अभी हम लोग उनको थोड़ा केयरफुल होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल आदमी का, गांव का आदमी का बात हम लोग को मानना है। अगर कोई आदमी बोलता है कि हमारा घर में प्लीज आपका एंट्री नहीं है बिकॉज मेरा घर में इतना ही जगह है और मेरा बात का बच्चा का लिए भी हम एक रूम को बचाना चाहता है, तो क्या आप वो जबरदस्ती उसका आदमी का घर में जाके रूम टू कब्जा कर लेगा? नहीं, क्या वैसे तो नहीं होता है। अगर गांव वाला लोग उमरोंगसो को खुद बोल रहा है, बोरो लोकिंगडोंग एरिया का गांव वाला लोग खुद बोल रहा है कि हम अपना 9000 बीघा हम लोग को जमीन हम लोग को नहीं दे सकता है, तो काउंसिल वाला लोग, स्टेट गवर्नमेंट और ये सीमेंट और माइनिंग कंपनीज लोग, प्लीज आप लोग को समझना है और आप लोग को और नहीं घुसना है वो एरिया में। लेकिन आज के दिन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कितना लोग को अभी उमरोंगसो में भेज दिया है, तो गांव वाला लोग को डराने के लिए, गांव वाला लोग अभी टेंशन में है क्या करेगा हम लोग। तो इसीलिए आज का वीडियो से हम पब्लिक को अपील करता है कि हम लोग अपना लाइफ में पूरा खुश होके रह जाता है कि हमरा तो कुछ इफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ आते रहता है। अभी पूजा आ गया, पूजा में बिजी हो जाएगा, उसके बाद कुछ आ जाएगा उसमें हम लोग बिजी हो जाएगा, सब अपना लाइफ में हम लोग पर्सनल सोच के हम लोग बिजी हो जाता है। लेकिन जो रियल जो हम लोग का जो जमीन है, क्योंकि जमीन नहीं रहने से तो हम लोग का फ्यूचर क्या रहेगा, उसको अगर हम लोग बचा के नहीं रखा, उसके लिए हम लोग आवाज नहीं उठाया, तो फ्यूचर तो क्या होगा आप लोग सोच लो। हवा में तो हम लोग रह नहीं सकता है ना, रहने के लिए तो जमीन ही लगता है, खाना उगाने के लिए, घर बनाने के लिए तो जमीन ही लगता है, नदी लगता है हम लोग को पानी का सप्लाई के लिए, तो उसको हम लोग बचाना है, हम लोग का ड्यूटी है वो। तो इतना बोल के आज मेरा लाइव वीडियो को हम इधर खत्म करता है। तो उमरोंगसो एरिया में जो वहां का लोकल लोग है, कार्बी बोलो, डिमासा बोलो, खासी बोलो, जो भी बोलो, गोरखाली लुकुन बोलो, वहां का जितना लोग है सब अगर अपना लैंड के लिए फाइट कर रहा है, ये सिर्फ डिमासा कार्बी वो सबका कुछ जात का बात नहीं है, जमीन तो सबका जमीन है, तो हम उन सबको वो लोग को साथ देना है। और हमारा काउंसिल लीडर लोग को भी ये समझना है कि पब्लिक आपको जिता के एमएससी बनाता है, उसके बाद आप ईएम बनता है, सीएम बनता है, आप सीएम ईएम एमएससी अदानी के लिए नहीं बना है, आप सीएम ईएम एमएससी आप कोई एक मिनिस्टर के लिए नहीं बना है दिसपुर का, वो लोग का जेब में पैसा घुसाने के लिए आप इलेक्टेड नहीं हुआ है। इसलिए पब्लिक के बारे में सोचो, अपना फ्यूचर के बारे में सोचो, सिर्फ पैसा कमाना ही दुनिया में बड़ा बात नहीं है, पैसा कमाना लगता है लेकिन वो ही सब कुछ नहीं है। तो इसलिए काउंसिल लीडर्स लोग को हम रिक्वेस्ट करता है, अभी भी समय है, आप लोगों थोड़ा आप लोगों का सोच को बदलो, अपना लोग को बेघर बे लोगों का जमीन छीनने के लिए ये कंपनी लोग का साथ मत दो, आप लोग को जितना भी पैसा देने के लिए वो लोग वादा करने दो, लालची दिलाने दो, आप लोग को कितना भी वो लोग स्टेट गवर्नमेंट का पावर से, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर से जितना भी आप लोग को थोड़ा डराने दो कि आप लोग नहीं मानेगा तो आपको सीएम सीट ले लेगा हम लोग, ईएम से छीन देगा आपको, ईएम सीट ले लेगा आपको, पार्टी से नेक्स्ट टाइम पार्टी टिकट नहीं देगा, जितना भी बोलने दो, लेकिन आप अगर पब्लिक लीडर है तो हम लोग को लोकल लोग का जमीन के लिए आप लोग फाइट करो, लोकल लोग का जमीन को बेचने का लिए आप लोग एज ए ब्रोकर, एज ए एजेंट आप लोग काम मत करो। इतना बोल के आज का लाइव वीडियो इधर में खत्म करता है। जुठाई कार्डोम कैलुम चिबाई नमस्ते, थैंक यू।